मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब कोई स्टूडेंट आया, वो कहता ठीक है, मैंने कहा क्या? वो कहता मैं समझ गया कि अगर सपोज करो करंट कैरिंग वायर है और आप उसका कैपिटल एम निकालना चाहते हैं तो करंट इनटू एरिया कर दो। मैंने कहा ठीक। वो कहता एक काम करो, हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि एक ना इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मान लो घूम रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर। किसमें? मैंने कहा, कहता है एटम में। हाँ, मैंने कहा घूम रहा है, कह रहा है वो अंदर ही अंदर करंट जनरेट कर रहा होगा। अगर वो आर रेडियस में घूम रहा है तो अंदर करंट जनरेट कर रहा है, और अगर करंट जनरेट कर रहा है तो वो भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। उसका डायपोल मोमेंट निकालो क्या होगा। तब इस केस में क्या होगा, मैंने आपको एक चीज सिखाई सिर्फ कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट क्या होगा। देखो जो करंट होता है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो चार्ज की वैल्यू क्या है इसमें ई, और टाइम पीरियड क्या है इसमें 2πr/v। तो क्या आ गया, ई वी डिवाइडेड बाय 2πr। तो करंट आ गया इसके कॉरस्पॉन्डिंगली। और अगर करंट आ गया तो कैपिटल एम निकालने का तरीका क्या है, करंट इंटू एरिया। एरिया क्या है, πr स्क्वायर। तो मैं काम करते हैं, करंट की वैल्यू कितनी है, ई वी डिवाइडेड बाय 2 into pi into r का स्क्वायर। r से r, pi से pi कैंसिल, तो क्या आ गया, ई वी आर बाय 2। तो फॉर्मूला बुकलेट में लिखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ई वी आर बाय 2, पहला फॉर्मूला। ये सब एनसीईआरटी बुकलेट में गिवन है, मैं दिखा दूंगा कहां गिवन है, आप सिर्फ टॉपिक को समझ लें, मैं आपको दिखाता हूं कैसे प्रूव करना है। ठीक है यहां तक? ठीक, ईवीआर बाय 2 क्लियर है। अब कोई स्टूडेंट ये कहता है, इधर देखो इलेक्ट्रॉन घूम तो रही है, तो एक काम करो, हमें ना प्लस वन में ले चलो। मैं क्या करोगे प्लस वन जाके? कहता एंगुलर मोमेंटम स्टडी करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो रोटेशनल मोशन है, इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो क्यों ना ऐसा करें, आप इस कैपिटल एम को एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिख के दिखाएं। मैंने कहा लिख तो दूंगा, पहले एल का फॉर्मूला तो पता क्या है, तो उसको याद था, एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसका, किसी भी बॉडी जब वो रोटेट करता है पॉइंट मास का, वो क्या होता है, एम वी आर। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं डाल देता हूं एम यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है रोटेशनल मोशन से, एम वी आर, राइट, क्लियर है, ये फॉर्मूला है। तो अब यहां से वी इंटू आर की वैल्यू क्या है, एल डिवाइडेड बाय एम ई। तो आप यहां पर वी इंटू आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितनी, ई बाय 2 एल डिवाइडेड बाय एम ई, एल डिवाइडेड बाय एम ऑफ ई, ये लो। तो ये आपके पास डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब कोई कहता है, एक बात बताओ, कैपिटल एम तो वेक्टर है, मैंने कहा हाँ वेक्टर है, एल भी वेक्टर है, वेक्टर है, तो वेक्टर लगा दो ना। जैसे इनके ऊपर हमने क्या लगाए, वेक्टर्स, मैंने वेक्टर लगाया एम वेक्टर ई अपॉन 2 एल वेक्टर, उसी टाइम मुझे साइन क्या लगाना पड़ा, नेगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि m वेक्टर और l वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। क्यों होती है, इसका आंसर देता हूं। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, प्लीज आंसर दें, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस तरफ, तो उसका m वेक्टर कैसे होगा। अभी सीखा है मैंने चार फिंगर रूल, तो m वेक्टर बोलो कहां होगा, ऊपर की नीचे, कितने लोग बोलते हैं ऊपर, गलत। ये कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, करंट थोड़ी ना है, चार फिंगर कैसे घुमाते हैं, करंट के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट तो ऑपोजिट ही होगा ना, तो करंट ऑपोजिट है, तो एम वेक्टर कहां पर है, नीचे, तो एम वेक्टर यहां पर कहां आएगा, नीचे। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, एम वेक्टर यहां पर डाउनवर्ड्स है, कोई डाउट इसमें, सही है। अब एल वेक्टर के ऊपर आते हैं,
जो एल वेक्टर है फ्रॉम रोटेशनल मोशन हमने क्या किया था कि अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंशियल है और आर वेक्टर तो रेडियस है, तो एल वेक्टर होता क्या था, आर क्रॉस पी याद है, आर क्रॉस पी आर वेक्टर है, ये पी यानी मोमेंटम वेक्टर है, आर क्रॉस पी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, तो एल वेक्टर कहाँ आएगा, आर क्रॉस पी ऊपर, तो एल वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर, ये लो, तो मैंने ये प्रूव कर दिया, एल वेक्टर और एम वेक्टर आपस में ऑपोजिट होते हैं, आपसे कोई प्रूफ पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया कि एल वेक्टर और एम वेक्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन में ऑपोजिट होते हैं तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। तो किसी ने कहा कि ठीक है सर समझ में आ गया, क्या कि m की वैल्यू मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, मूविंग इलेक्ट्रॉन की, l अपॉन, ये समझ में आ गया, डन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहता है ये है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट, प्रॉब्लम ये है आप किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो कई शेल्स में, अलग अलग शेल्स में होते हैं, कोई वन में, टू में, थ्री में, तो सबका m सेम होता है, नहीं सबका डायपोल मोमेंट सेम नहीं होता, तो फिर क्या करें, केमिस्ट्री लगाएं, l क्या होता है, एन एच बाय टू पाए, मूविंग इलेक्ट्रॉन का ये होता है, एल को यहां पुट करते हैं, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटू एच इंटू एन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल एम की, कोई डाउट इसमें, तो अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के थर्ड शेल के अंदर डायपोल मोमेंट निकालो, मैं इनको तीन पुट कर दूंगा, फोर्थ का तो फोर पुट कर दूंगा, फिफ्थ का तो फिफ्थ पुट कर दूंगा, तो फॉर्मूला समझ में आया, तो फॉर्मूला बुकलेट में ये भी फॉर्मूला नोट कर लो, तो कुछ नहीं किया, यहां तक तो आ ही गया था, केमिस्ट्री में बोहर्स का तो सुना हुआ आपने, NH by 2 पाए, पुट कर दिया आंसर, सही ऐसे ही है। अब कोई कहता है जी काम करो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, मैं किस पे, कहता हमारी खास वैल्यू है हाइड्रोजन, सारी केमिस्ट्री एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का कैपिटल एम निकाल के दिखाओ, मैंने कहा शेल नंबर बोल के था वन, तो अगर मैंने शेल नंबर वन लिया तो एन की जगह वन, तो हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ई इंटू एच इंटू वन अपॉन टू टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, यहां से सॉल्व करके 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 वैल्यू आएगी। आपको कहे सर आपको याद है, नहीं अभी मैंने बुकलेट खोली ना, वहां से याद कर ली थी, अभी मेरे को याद नहीं है, अभी टेम्पररी याद है, तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये क्या आया, डायपोल मोमेंट किसका, हाइड्रोजन के शेल नंबर वन के इलेक्ट्रॉन का, इस डायपोल मोमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू के साथ, एक ही बात है, तो म्यू की वैल्यू आ गई, और इस डायपोल मोमेंट का खास नाम है म्यू बी, बी का मतलब है बोहर्स मैग्नेट्रॉन, तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन नाम है, एक्चुअल में डायपोल मोमेंट है, बोहर मैग्नेट्रॉन डायपोल मोमेंट है किसका, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर वन का, तो क्लियर है यहां तक ये टॉपिक।